एएलटी बालाजी की ये जो गंदीबाज का सीज़न 4 जो रिलीज हुआ है, जिसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, स्पेशल नाम क्या है, स्पेशल एपिसोड ये एक इसका नाम दिया गया है। इससे पहले इसके 3 सीज़न आ चुके थे और ये जो स्पेशल एपिसोड है वो करीबन करीबन 45 मिनट के नज़दीक है, 45 या 40 के नज़दीक है, अप्रोक्सीमेट इतना ही है। और जो इससे पहले जो 3 सीज़न आए थे, तो इसके मेकर्स ने सोचा कि यार जो पहले के जो 3 सीज़न दिए हैं उनमें कोई कहानी तो हमने दी नहीं, कोई कहानी नहीं दी, कोई कोई लॉजिक हमने उसमें नहीं डाला, बस जो अंग प्रदर्शन करवाना था वो हमने उन सीज़न के जो सीज़न 3 है उनमें करवा लिया। तो इस बार मेकर्स ने थोड़ा सा क्रिएटिव सोचा, और क्रिएटिव ये सोचा कि क्यों ना इस बार कहानी दे दें, लोगों को कहानी भी दे देंगे शायद, और थोड़ा इससे कनेक्ट हो पाएंगे और एक नया एक सोशल मैसेज दे देते हैं लोगों को, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाए। और क्या अवेयरनेस बढ़ाई है गंदीबाज सीज़न 4 ने, मतलब मैसेज क्या दे रहे हैं, सोशल मैसेज वही जो आजकल अभी मेड इन चाइना करके एक मूवी आई थी उसमें जो सेक्स एजुकेशन देने की बात की गई थी, इसके अंदर भी वही है कि ये सेक्स एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए। और ये सीरीज उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा क्या घाघ दे रही है यार, मुझे तो कहीं से भी लगा भी नहीं है ऐसा कुछ है इस सीरीज़ में। बाकी इस सीरीज़ में ये जो छोटी मोटी बातें छोड़ दो, एक दो पॉइंट इन्होंने बोले हैं बस, उससे इनको छोड़ दो, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट इन्होंने बोले उनको अगर अलग कर दो, तो इस सीरीज़ में भाई जो पहले की जो 3 सीरीज़ थी उस गंदपन को भी इस सीरीज़ ने मतलब पार क्या कर दिया, मैं क्या बताऊं यार। वो पार करने के अलावा भी कोई और वर्ड है ना, मतलब कि वो पार करके भी उसकी एक रेखा है उसको भी पार कर दिया, मतलब पार ही कर दिया बिल्कुल। तो ये वो सीरीज है, इतना गंदपन दिखाया गया है इसके अंदर, इतना ज्यादा, मतलब यार कमाल की क्रिएटिविटी बंद होगी, मतलब जो इसके मेकर्स हैं मैं तो सर्च भी नहीं किया यार कौन इसके मेकर्स हैं, क्या है, क्या बकवासबंदी छाप रहे हो, मतलब लोगों को दिखा रहे हो। वैसे एक चीज़ इसे साबित होती है कि भारत के लोगों को देखना क्या पसंद है, अगर इसके 3 सीज़न इतने हिट ना हुए होते तो ये सीज़न 4 नहीं आता, और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को और उजागर कर, मतलब कि पक्का कर रहा है कि इसका सीज़न 5 भी आएगा, सीज़न 5 आएगा। ये दावा शायद मैं इस बेस पे कर रहा हूँ कि जो इसके सीज़न 4 आ गए हैं तो इसका डेफिनेटली सीज़न 5 तो आना बनता ही है ना, लोग देखना चाहेंगे कुछ और इससे भी गंदापन क्या हो सकता है भाई, इससे भी गंदापन हो सकता है तो कमाल ही हो जाएगा, मतलब वाह। एएलटी बालाजी वालों के तो क्रिएटर जो है वो मेकर जो है क्या क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं लोगों को। और साथ में जो ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैंने देखी इसके अंदर, जैसे जानवरों का यूज़ इन्होंने किया, मगरमच्छ, खरगोश, शेर और कुछ भी रह गया क्या, मोर, हाँ मोर, मोर, खरगोश, इन चीज़ों का बड़े ही मतलब क्या खूबसूरती से यूज़ किया इन लोगों ने। एक चेतक घोड़े का भी बड़ा यूज़ किया इन्होंने, चेतक कहाँ जाएगा कमाल के यार, कमाल के लोग हैं, कमाल की थिंकिंग है लोगों की, कमाल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे, तो ये जो एजुकेशन दे रहे हैं जानवरों के ऊपर कि जानवर क्या करते हैं कैसे करते हैं ये सब चीज़ें भी इन्होंने बताई हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो सीज़न है वो भरपूर है नॉलेज से, भरपूर है वो, कमाल है यार, मतलब मेकर सलाम है यार तुम लोगों को, सलाम तो क्या घंटा है। अगर सीरियसली बात करूँ तो कोई कहानी का तुक नहीं है यार, ये वही सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि लोगों को क्या दिखाना है, और बड़े ही साइकोलॉजिकल तरीके से खेल रही है ये एएलटी बालाजी लोगों के माइंड के साथ। अब लोगों को ये दिखाना, क्योंकि लोग पहले के जो सीज़न है उनको पसंद नहीं किया है, और लोग वेले तो बैठे ही हैं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं लोगों के पास, एजुकेटेड मतलब अच्छे खासे एजुकेशन होने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ताकि वो अपनी आवाज़ ऊपर ना उठाएं, वो दब जाए, वो दब पता नहीं कैसे जा सकती, शायद एएलटी बालाजी इसका उदाहरण लेके आए हैं ये सीज़न 4 देखे। इसके जो पहले वाले जो सीज़न आए थे उनका रिव्यू इसलिए जानबूझ के मैंने नहीं किया, देखो उसका भी रिव्यू मैं कर सकता था, जानबूझ के इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि ऐसी चीज़ें वो निकलें कि मेरे इस चैनल के थ्रू कि हाँ लोगों को पता चले कि ऐसी कुछ चीज़ है, ऐसी कोई गंद भी है जो मतलब देख सकते हैं लोग, अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं मार्केट में, तो मैं नहीं चाहता था कि इस चैनल के थ्रू वो चीज़ें निकलें। अब इस चीज़ के पीछे ये सीज़न 4 आया तो इस पे ना मेरा दिमाग ना थोड़ा ठनका यार, मैं कह यार ये क्या हो रहा है, मतलब 3 सीज़न निकाल चुके हैं, चौथा सीज़न और इन्होंने निकाल दिया,
कमाल है। और लोग ना इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। रिएक्शन वीडियो कैसे बना रहे हैं, एक साइड में एलटी बालाजी का वो ये जो गंदी बात सीजन 4 का ट्रेलर चला दिया, और उस पे वो अपना रिव्यू दे रहे हैं लोग, मतलब सी रिएक्शन दे रहे हैं। ओ ये क्या है, वाह यार, लोगों मतलब इससे लोगों को काम भी मिल रहा है। मेरा सुझाव तो यही है कि इस सीजन से, मतलब ये जो सीरीज है ये गंदी बात है, देखो इससे देखकर कुछ भी नॉलेज नहीं मिलने वाली है, और कोई भी आपको या कहो कि आपका बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ है वो भी नहीं है। एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट में समझ रहा हूँ जिन लोगों का होने वाला है, वो अपने ही दिमाग में ख्याली पुकाव बना रहे हैं। देखो मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, लोग जिनको देखना है वो तो देखेंगे, लेकिन बी सीरियस। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का टाइम एक अच्छे, मतलब एक ऐसी वीडियो हम देखें या ऐसा कोई सीरीज़ हम देखें जिससे हमारी नॉलेज इंक्रीज़ हो, या फिर नॉलेज इंक्रीज़ ना हो, कम से कम एंटरटेन तो हो हम कुछ पॉजिटिव वे से, और हमें कुछ फ्रेश फील हो, तो भाई उनके लिए बिल्कुल नहीं है यार, ना ही देखना यार। अपना दिमाग खराब मत करना, डिस्ट्रैक्ट मत होना ऐसी चीज़ों को देख के। और यार कोई स्टार उटार नहीं होते यार इन चीज़ों के लिए, कोई स्टार उटार नहीं होते। मैं सोच कहीं कोई स्टार दूँ, ना ना कोई स्टार उटार नहीं है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से, और आप दूर रहें इन चीज़ों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।